ट्वेल्व देखते हैं। तो क्वेश्चन ट्वेल्व में है, अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ ग्रेट हाइट एंड फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स अर्थ। अनदर बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट एग्जैक्टली 1 सेकेंड लेटर। देन द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज 2 सेकेंड्स आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंड स्टोन। अभी देखो वर्डिंग बड़े कंफ्यूजिंग से लग रहे हैं, जिसमें दो स्टोन को फेंका गया और कुछ कुछ अलग टाइम पे फेंका गया। अब इसको सिंपल लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं। तो लाइक से मैंने कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्लॉक बना दी, ठीक है, जिससे हम टाइम को नोट कर रहे हैं। तो ये हमने कहा टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, यहाँ शुरू हुआ है 1 2 सपोज 3 यहाँ पे कर दिया, 4 5 सपोज सेकेंड्स ये, ठीक है, डोंट वरी दैट इज जनरेट कैसे टाइम कैसे डिवाइड होता है वॉच के ऊपर या क्लॉक के ऊपर या स्टॉप वॉच के ऊपर, उसकी अभी हमें चिंता नहीं है। टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे हमने एक जैसे ये घड़ी की सुई यहाँ थी, तो यहाँ से हमने एक टॉवर से हमने एक बॉडी ए को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन होगी ए की, इसको फेंकेंगे 1 सेकंड के बाद में, इसका मतलब घड़ी की सुई जब यहाँ से यहाँ पहुंची तो यहाँ पे 1 सेकंड के ऊपर हमने बी को फेंक दिया, बी को ड्रॉप कर दिया, ये आगे चली गई होगी, यहाँ पे बी को ड्रॉप किया। और बी को ड्रॉप करने के 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड क्या हुआ, ये 1 सेकंड में फेंका, तो 1 और 2 3 सेकेंड टाइम, जब घड़ी की सुई 3 सेकेंड तक पहुंच गई तो तब हमने निकालना है सेपरेशन क्या होगी दोनों के बीच में। इस चीज को एक बार दोबारा समझते हैं। सबसे पहले हमने ए स्टोन को कब फेंका, टी इज इक्वल टू 0 फेंका, इसके 1 सेकेंड के बाद में हमने बी को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, हमने बी को भी ड्रॉप कर दिया, तो ये तो आगे चली गई होगी पहले, तो बी पीछे रहेगी। और बी को ड्रॉप करने के, बी को हमने 1 सेकंड पे ड्रॉप किया, इसके 1 सेकंड बाद बी को ड्रॉप किया, और बी को ड्रॉप करने के 2 सेकंड के बाद, मतलब 3 सेकंड अप टू टाइम हो गया 3 सेकंड, 3 सेकंड पर इन दोनों के सेपरेशन क्या वो निकाल रहे हैं। अगर 3 सेकंड पर है, पहले हमने पहली स्टोन को या बॉडी को यहाँ फेंका, तो इसका वो तो 3 सेकंड तक चलती रही, और दूसरी कितनी चली है, 1 सेकंड पर छोड़ा है और 3 सेकंड में ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो 1 और 1 2 सेकंड चली है। तो पहली वाली ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड। बी ने कितनी देर में डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकंड्स। ये दोनों का क्या आ गया, ये सेपरेशन आ गया, ये सेपरेशन आ जाएगा। तो ये 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वेयर। एस टू डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकंड कितना हो गया, यू टी प्लस हाफ ए इंटू 2 स्क्वेयर, ठीक है। तो अब अगर इसको जो है, अगर इसको, अच्छा सेपरेशन कितना हो गया, हो गया दोनों के बीच में ये हो गया S3 - S2 हो गया, इसको जब इससे माइनस करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 24.5 मीटर, दैट इज द आंसर। सो डी इज द राइट आंसर, राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन।